हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रुचि सलगोत्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाइक यू कैन सी, मैंने स्टार्ट करा है अब कैलेंडर। ऑलराइट, तो कैलेंडर इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज वेल सॉल्विंग दीज क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा कैलेंडर उन्हें कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाली हूँ कैलेंडर से रिलेटेड, जो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है। ठीक है, आई थिंक ये लाइक ये पार्ट वन है। इसके बाद आई थिंक वैसे मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो पार्ट टू में आपको कैलेंडर कंप्लीट करा दूं, बट इन केस पार्ट टू में कंप्लीट नहीं हो पाता तो एक पार्ट और आएगा, पार्ट थ्री। ठीक है, तो जितने भी मैं पार्ट लाऊंगी कैलेंडर के, आप उन सबको देख लेना। ठीक है, आपका कैलेंडर का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एनी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं आई थिंक जो सबको पता होने चाहिए, तो पहले वो करते हैं फिर हम आगे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला है नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल ईयर कौन सा ईयर होता है विच इज नॉट अ लीप ईयर। तो जैसे लिखा है, नॉर्मल इज अ नॉर्मल ईयर इज अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर कौन सा होता है आपको सबको पता होगा, आई गेस एवरीबडी नोज कि लीप ईयर कौन सा होता है जो हर चार साल बाद आता है, जैसे 29 फरवरी, जो एक दिन एक्स्ट्रा मतलब होता है। ठीक है, तो लीप ईयर जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, जो नॉर्मल ईयर से एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और एक दिन एक्स्ट्रा कौन सा होता है? जो 29 फरवरी, जैसे आप सबको पता है। ठीक है, लीप ईयर कौन सा होता है जो चार साल बाहर चार साल बाद आता है। ठीक है, तो आई थिंक नॉर्मल सी चीज है, बेसिक सी चीज है कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। ठीक है, इन सबको आपने आगे यूज करना है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब जो चीज हमें देखनी है वो है ये, एक नॉर्मल ईयर में जैसे अभी बताया कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो अगर 365 डेज होते हैं तो इसमें कितने वीक्स हैं? ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, और 365 डेज मतलब कितने वीक्स? तो वो होते हैं 52 वीक्स। ठीक है, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे 52 वीक्स होते हैं, आप 365 डेज होते हैं उनको 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इट विल कम, आप देख सकते हैं इट विल कम 52 आया। ठीक है, और आपका एक रिमाइंडर बच गया 1। ठीक है, तो जो 52 मतलब वीक्स होते हैं, और जो एक यहाँ पे आगे लिखा है वन ऑड डे मतलब जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, जब एक पूरा वीक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक पूरा वीक कंप्लीट हो गया उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं उन्हें बोला जाता है ऑड डे। जैसे कि आप ये देख सकते हो क्या लिखा है, ऑड डेज क्या होते हैं? इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक। एक कंप्लीट वीक के मतलब जो मोर देन दिन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं 8 दिन, 8 डेज अगर मैं ले रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं 8 डेज है और इसमें कितने और डेज होंगे? अब आपको जैसे बताया एक वीक, इन्होंने कहा क्या कहा है, द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, 7 डेज होते हैं 1 वीक में, तो एक्स्ट्रा दिन कितना है? एक दिन एक्स्ट्रा है ना, जैसे 8 वीक्स है तो एक दिन एक्स्ट्रा है, वो 1 डे क्या होगा? ऑड डे होगा। ठीक है, ऑड डेज का भी आगे आपने यूज करना है, इसलिए ये चीज भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, और ऑड डे कैसे आता है? एक कंप्लीट वीक के बाद जब एक्स्ट्रा जो दिन बच जाते हैं उसको बोला जाता है ऑड डेज। ठीक है, चलो नॉर्मल ईयर का आपने देख लिया कि नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और 1 ऑड डे होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में कितना होगा? लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें भी 52 वीक्स होते हैं, आप खुद निकाल कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 366 डेज होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और इसमें बचेगा आपको जो रिमाइंडर आएगा, जो डिवाइड करोगे आप 7 से 366 को, तो आपका रिमाइंडर आएगा 2, मतलब इसमें कितने 2 डेज, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, ये चीज है, ये आपको निकालनी नहीं, बार बार आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, कि बार बार आप निकालो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए इतनी चीज याद रख लो, एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। सिंपल, चलो अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू फाइंड द ईयर इज अ नॉर्मल ईयर और अ लीप ईयर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ईयर है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2020, है ना, अभी 2020 है, वी नो इट इज अ लीप ईयर। लेकिन कैसे हमें पता कि ये लीप ईयर है? ठीक है, हाउ वी नो कि ये लीप ईयर है? तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि वो लीप ईयर है कि नहीं? तो जैसे आई थिंक ये भी सबको पता होगा, अगर हम एक ईयर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, अगर एक ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम अगर मैं आपको कहूँ 1800, ठीक है, 1800 अगर मैं कहूँ इज इट अ लीप ईयर, तो आप में से कई आंसर देंगे यस इट इज अ लीप ईयर, कई कहेंगे नो इट इज अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो मैं आपको चीज बताऊं, जो 1800 है ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है,
ये भी 4 से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट अ लीप ईयर, ये नॉर्मल ईयर है, इट इज अ नॉर्मल ईयर। अभी आपको अगर मैंने आपको कहा कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसे बोला जाता है लीप ईयर, लेकिन अब यहाँ पे पढ़िए, फर्स्ट लाइन लिखिए, एवरी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। हम सबको पता है कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, बट इफ इट इज नॉट अ सेंचुरी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो सेंचुरी वाला ईयर है, सेंचुरी वाला मतलब लाइक 100, मतलब जैसे कि जैसे 100 हो गया, लेट्स अज्यूम लाइक 1600, ठीक है, 1700 है, 1800 है, ये सब क्या होते हैं सेंचुरी ईयर्स। कैसे पता चला, जिनके लास्ट में दो जीरोज आते हैं, ठीक है, ये ठीक है, जैसे 2000, ठीक है, लास्ट में दो जीरोज आ रहे हैं जिनके, उनको बोला जाता है सेंचुरी, ठीक है। तो अगर वो आपका सेंचुरी ईयर है उस केस में नहीं, उसके अलावा जैसे 2020 है ना, जैसे मैंने अभी कहा 2020 है, लास्ट में दो जीरोज नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक नॉर्मल सा ईयर है, तो इसको आपने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। बस अगर तो सेंचुरी हो गई, अगर जैसे लिखा इफ इट इज अ सेंचुरी, अगर सेंचुरी है तब आपको क्या करना है 400 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था 1800 है ना, अगर 1800 को 400 से डिवाइड करते हो तो ये डिवाइड होता है इससे, नहीं होता, राइट, नहीं होता, तो मतलब ये एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो सेंचुरी के केस में, मतलब सेंचुरी के केस में अगर आपका कोई भी जो ईयर है वो 400 से डिवाइड हो जाता है, तब हम उससे कहेंगे कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। और 2020 केस में ये सेंचुरी नहीं है, इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कितना आएगा 505 आएगा, मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो बस इसमें एक ही चीज बतानी थी, ये सेंचुरी वाली, ये जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं उसको आपको 400 से डिवाइड करके देखना है। तो चलो अब आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लाइक जैसे मैंने टाइप्स बना दिए, ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो मैं ले रही हूँ वो है विद इन 30 डेज, अगर आपको कोई दिन निकालना हो, ठीक है, विद इन 30 डेज, मतलब एक ही मंथ के अंत की अगर आपको कोई डेट निकालनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको देखा कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है, ठीक है, क्वेश्चन में देखा कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 17 जनवरी 2001 को क्या होगा। अब आप ये देखो, ये वाला कौन सा विद इन 30 डेज वाला है ना, जनवरी, देखो सेम मंथ है, सेम ईयर है, बस डेट चेंज है, मतलब विद इन 30 डेज वाले क्वेश्चन है। तो कैसे निकालना है इसको, वैसे तो आप इसको फिंगर्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन कैसे आपको करना है, जो इसका मेथड है वो कैसे मैं बता रही हूँ। 1 जनवरी को क्या है, मंडे, आपको निकालना है 17 जनवरी, है ना। अब आपको पता है 1 जनवरी को मंडे है, तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा उसी ईयर में, उसी मंथ में, नेक्स्ट मंडे कब आएगा, 7 दिन बाद, मतलब एक वीक के बाद, है ना। तो 7 दिन बाद मतलब आप क्या करो, उसमें 7 ऐड कर दो, तो मतलब 8 जनवरी को नेक्स्ट मंडे होगा। फर्स्ट मंडे कब था, 1 जनवरी को, नेक्स्ट सेकेंड मंडे कब होगा, 8 जनवरी को, कैसे निकाला, प्लस 7 करके। तो आपने क्या करना है, प्लस 7 करना जब तक 17 आ जाए, ठीक है, प्लस 7 नेक्स्ट करा तो अभी कितना आया, 15 जनवरी को नेक्स्ट मंथ थर्ड मंडे होगा हमारा, ठीक है। अब 15 जनवरी तक आपको पता लगेगा कि अगर 15 जनवरी को अगर मंडे है, आपको निकालना था 17 जनवरी, तो नेक्स्ट होगा 16 एंड 17, तो मतलब ट्यूसडे होगा 16 को, 17 को क्या होगा, वेंसडे, तो आपका आंसर है वेंसडे, ठीक है। तो विद इन 30 डेज वाले तो बहुत ईजी होते हैं, तो आई होप समझ में आए कैसे निकालना, आपने क्या करना प्लस 7 करते जाना, ठीक है। चलो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह करेंगे। 1 अप्रैल को आपको कह दिया कि 1 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो 21 अप्रैल को क्या होगा, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट में पहले 7 ऐड करा, ठीक है, 1 में 7 ऐड करा मतलब 8 अप्रैल को ट्यूसडे होगा, फिर प्लस इसमें 7 और करा मतलब 15, फिर 15 अप्रैल को होगा ट्यूसडे, फिर प्लस क्या करा हमने, फिर 7 प्लस करा, तो मतलब 22 आ गया, मतलब 22 अप्रैल। अब 22 अप्रैल को आपको पता है क्या होगा, ट्यूसडे होगा, बट हमें कब का निकालना था, एक दिन पहले निकालना ना, तो 21 का निकालना था, तो 21 अप्रैल को क्या होगा, एक दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मंडे। तो आपको जो विद इन 30 डेज वाले आंसर निकालने हैं, उनमें आपको क्या करना है, सिंपली 7 ऐड करते जाना है, ठीक है, जो भी आपको निकालना होगा आप निकाल सकते हो, ऑलराइट। तो चलो आगे देखते हैं आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अब आपको जो निकालना है वो है विद इन मंथ। पहले आपने जो देखा वो क्या था, आपको विद इन 30 डेज निकालना था, अब क्या हो गया, आपके मंथ चेंज हो गए, ठीक है, ईयर इस केस में भी सेम है। तो वन बाय वन, जैसे मैंने कहा, वन बाय वन आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी, पहले 30 डेज वाले हो चुके हैं, अब हम देखने वाले हैं विद इन मंथ, मतलब अगर मंथ चेंज हो गए, जैसे 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो हमें बोला कि 1 मार्च 2001 को क्या होगा, ठीक है, प्लस 7 करके आप ये भी निकाल सकते हो, लेकिन आप सोचो कितना टाइम लगेगा, तो उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना है कि प्लस 7 करते जाओ, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा।
तो कैसे कर सकते हो आप, ये देखो आपको मैं दो मेथड बताती हूँ, आपको जैसा इजी लगे कर सकते हो। तो पहला मेथड ये है कि जैसे 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो आपको पता है जनवरी में लाइक कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, बिकॉज आप फर्स्ट से कैलकुलेट कर रहे हो ना, फर्स्ट जनवरी से ही कर रहे हो, तो 31 डेज कंप्लीट होंगे। तो आप यहाँ लिख लो 31 जनवरी में। जनवरी के बाद कौन सा मंथ, जनवरी के बाद कौन सा मंथ आता है, फेब्रुवरी। ठीक है, अब आपको जो चीज नोटिस करनी है वो ये कि लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये नॉर्मल ईयर है, 2001 इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो आपको पता है फेब्रुवरी में कितने डेज होंगे, 28 डेज होंगे। ठीक है, जनवरी हो गया, ये जनवरी का था, ये है कि फेब्रुवरी, नेक्स्ट इज मार्च। अब मार्च की जो आपको कौन सी डेट तक का निकालना है, फर्स्ट मार्च का ही निकालना है आपको, तो 1। तो मार्च में क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 1 लिख दोगे। ठीक है, जनवरी फर्स्ट जनवरी से कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट जनवरी मतलब पूरे आपको पूरा लेना है ना जनवरी, तो 31 डेज है, इसलिए यहाँ पे 31 लिख दिया जनवरी में। फेब्रुवरी क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो 28 डेज कंप्लीट फेब्रुवरी के। और मार्च के अभी कौन सी डेट, जस्ट जिस भी डेट तक निकालना है, इसमें फर्स्ट मार्च है तो फर्स्ट लिख लोगे, 1 लिख लोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 मार्च होता तो आप मार्च में यहाँ पे 1 की जगह 5 लिख देते। ठीक है, आपने क्या करना है, इनका सम निकाल लेना और उसको क्या कर लेना, डिवाइडेड बाय 7 कर लेना, सिंपल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 क्यों करें, जैसे मैंने आपको कहा और डेज निकालने के लिए। पहले चलो हम इसको सम कर लेते हैं, इसका सम कितना आएगा, 31 + 28 + 1 इज आई गेस 60, है ना, 60 डिवाइडेड बाय 7 करा, तो 60 डिवाइडेड बाय 7 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, मैं यहीं पे शो कर रही हूँ, 7 8 से होगा 56, एंड मीन्स 4 आ गया। अब 4 मतलब क्या, आपको ये यूज करना है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ऑड डेज का आपने आगे यूज करना है, अब मतलब आपका क्या आया, 4 ऑड डेज आया। ठीक है, आपने इसी का यूज करना है, 4 odd days मतलब आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी चीज, जैसे मंडे आपको कब गिवन था, ठीक है, आपको जो भी डेट देखे कि 1 जनवरी को मंडे था, तो जो भी चीज आपको दे रखी है, जो भी मंथ सॉरी जो भी आपको वीक दे रखा होगा कि इस दिन इस डे मंडे था, ठीक है, आपने उसको क्या लेट करना है, 1, हमेशा उसको आपने लेट करना है। अगर 1 है मंडे, हमें हमारे ऑड डेज कितने हैं, 4, ठीक है, तो मतलब 2 को क्या होगा, ट्यूसडे, 3 को क्या होगा, वेंसडे, और 4th को क्या होगा, थर्सडे। तो मतलब इसमें आपका आंसर क्या है, थर्सडे। तो मतलब 1 मार्च 2001 को क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया कैसे करना। आपने क्या करना, आपने ऑड डेज निकालने, ऑड डेज निकाल लिए, और आपको जो भी दे रखा होगा, जैसे मंडे दे रखा था, उसको आपको 1 लेट कर लेना है। ठीक है, अगर 1 मंडे है, आपको 4 का निकालना है, तो 1 अगर मंडे है, 2 ट्यूजडे है, 3 वेंसडे होगा, फिर 4th होगा थर्सडे, मतलब 1 मार्च 2001 को क्या होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। एक दूसरा मेथड और है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप ये वाला मेथड भी मुझे सही नहीं लगता, वाई, बिकॉज चलो इसमें तो आपको 3 मंथ तक का ही निकालना था, बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 9-10 मंथ्स का आ गया बीच में, लाइक 1 जनवरी दे रखा है, फिर उसके बाद अक्टूबर या नवंबर का दे रखा है, है ना, कि अक्टूबर की इस डेट को क्या होगा, तो आपको ये जो सम निकालना होगा, है ना, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लाइक 31 फिर 28 फिर 31 प्लस फिर 30, ऐसे बहुत सारे करोगे तो बहुत आपके जो सम करोगे वो बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो एक दूसरा मेथड है जो कि आई थिंक आपको यूज करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट, मैं इसको इरेज करती हूँ पहले। सो जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ, जो नेक्स्ट मेथड है वो है, उसमें आपको क्या करना है, अब देखो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें आपको किससे मतलब था, ऑड डे से मतलब था, अगर आपकी ऑड डेज आ गई तब आप निकाल सकते हो कि 1 मार्च 2001 को क्या होगा, है ना। अब आप इन क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको मंथ दे रखे, आप एक काम कर सकते हो, हर मंथ का अलग से आप निकाल लो कि हर मंथ का अलग से क्या ऑड डे होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, तो जैसे कि ये देखो, जो जनवरी मंथ होता है, ठीक है, जो जनवरी मंथ है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 3 odd days होते हैं, और वो कैसे होते हैं, आई गेस आपको पता होगा, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे निकाला जाते हैं ऑड डेज, जनवरी में कितने कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, और ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7, 4 and 28, तो यहाँ जो 3 आ रहा है, मतलब जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 odd days होते हैं। तो बस आप इतना देख लो कि जो भी मंथ 31 डेज वाला होता है उसमें 3 odd days होते हैं, और जो भी मंथ 30 डेज वाला होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 odd days होते हैं। बस इतनी चीज आपको याद कर लेनी है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी याद है तो आप निकाल सकते हो जैसे अभी बताया। ठीक है, तो जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज होते हैं, 3 odd days होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ इज फेब्रुवरी, है ना,
नेक्स्ट मंथ इज फेब्रुवरी. अब फेब्रुवरी में डिपेंड करेगा कि अगर फेब्रुवरी 28 डेज वाला है या 29 डेज वाला है. अगर तो 28 डेज वाला है तो आपको पता है कि जीरो आएगा, बिकॉज 28 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ना 7 से, तो मतलब जीरो ऑड डेज. तो फेब्रुवरी में डिपेंड करेगा, अगर 29 डेज है फेब्रुवरी में तो जीरो ऑड डे होंगे, अगर 29 डेज है तो 1 ऑड डे होगा. ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है. मार्च भी 31 डेज का होता है तो इसमें भी 3 ऑड डेज होते हैं. अप्रैल में 30 डेज होते हैं तो इसमें 2 ऑड डेज होते हैं. मई में 31 होते हैं तो 3 ऑड डेज. एंड सिमिलरली आप देख सकते हो सबका. अब क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको. अब देखो क्या दिया था आपको, 1 जनवरी. आपको ये चीज डेट डेट भी आपको नोटिस करनी है. ठीक है, 1 जनवरी दे रखी थी इसलिए आपको मतलब जनवरी कंप्लीट मंथ है. आपको कंप्लीट, आपको जनवरी से 1 मार्च तक जाना है. ठीक है, जनवरी आप कंप्लीट मंथ लेने वाले हो तो जनवरी में आपको पता है 3 और डेज होते हैं तो आप डायरेक्टली लिख लियो कि 3. नेक्स्ट फेब्रुवरी, अब आपको पता है ये क्या है, नॉर्मल ईयर है. नॉर्मल ईयर में 28 डेज होते हैं फेब्रुवरी में, तो अगर 28 डेज है तो मतलब और डे तो जीरो होगा, तो फेब्रुवरी का आ गया 0. ठीक है, मार्च आपको जिस डेट तक का निकालना है, ये मत करना कि मार्च में 3 और डेज होते हैं तो 3 लिख दिया. नहीं, हमें तो सिर्फ 1 मार्च निकालना है, पूरा मार्च थोड़ी नहीं, हमें एंड तक थोड़ी नहीं जाना. हमें तो 1 जनवरी से सिर्फ 1 मार्च तक की डेट निकालनी थी कि 1 मार्च को क्या डेट होगी. तो जो भी आपको डेट दे रखी होगी आपने वो ले लेनी है. जैसे जी अगर 15 मार्च लिखा होता तो आपने यहाँ पे 15 लिख देना था. अब 1 मार्च है तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ. ठीक है, तो डिवाइड आपको क्या कर, अब हाँ जी एक चीज, अब ये कितना आया आपका 4, 3 + 0 + 4, ये आया 4. अगर ये जो वैल्यू, अगर इनको प्लस करने पे अगर आपकी वैल्यू 7 से बड़ी आ रही होती, ठीक है, अगर इन केस 7 से बड़ी आ रही होती तो आपने क्या कर लेना था, फिर उस टर्म को 7 से डिवाइड कर लेना था और ऑड डे निकाल लेने थे. अब ये तो पहले ही 7 से कम आ रही है वैल्यू, 4 आ रही है ना, पहले ही 7 से कम आ रही है तो आपको कुछ 7 से इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑड डेज निकालने हैं, मतलब 4 के होंगे ऑड डेज होंगे आपके. अब 4 ऑड डेज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मंडे को आपको क्या ले लेना है, जो भी आपको दे रखा होगा उसको 1 लेट कर लेना है. अगर तो 1 अगर मंडे है तो 4 क्या होगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो मतलब 1 मार्च 2001 को क्या होगा, थर्सडे. ठीक है, तो ये जो मेथड है ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जो पहले मेथड बताया मैंने आपको वो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं. अब इसी मेथड से आपको कराऊंगी. ठीक है, आपको दे रखा है 1 अप्रैल 2004 को ट्यूजडे है, आपको निकालना है 1 अगस्त तक. तो फिर कैसे करेंगे, 1 अप्रैल कंप्लीट आएगा बिकॉज आपने अगस्त से लेके सॉरी अप्रैल से लेके आपने अगस्त तक जाना है. तो 1 अप्रैल को ट्यूजडे है तो आप देखो अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो अप्रैल कंप्लीट है तो 2 ऑड डेज. अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई में कितने ऑड डेज होते हैं, 3. उसके बाद क्या आएगा जून, जून में कितने ऑड डेज होते हैं, 2. फिर जुलाई, ठीक है, जुलाई में 3 ऑड डेज होते हैं. अब नेक्स्ट अगस्त, अगस्त की आपको कौन सी डेट तक का निकालना है, 1 डेट तक का निकालना है, तो +1 कर दोगे. ठीक है, अब इनको सम कर लो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आया. ठीक है, अब मैंने कहा था अगर 7 से बड़ी वैल्यू आती है तो आपने क्या करना है, उस वैल्यू को 7 से डिवाइड कर लेना है और आपका ऑड डे निकाल लेना है. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, रिमाइंडर 4, मतलब 4 क्या है, ऑड डेज. 4 ऑड डेज है, जो भी आपको दे रखा उसको क्या लेट कर लेना, 1. तो 1 अगर ट्यूजडे है आपको निकालना है 4 तक का, तो 2, 3, 4, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे एंड 4 मतलब फ्राइडे. ठीक है, तो 4 ऑड डेज आया था आपको 4 तक निकाले, तो 1 अगस्त 2004 को क्या होगा, फ्राइडे होगा. आई होप समझ में आपको ये कैसे करने क्वेश्चन, थोड़े और देखते हैं आगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अब भी देखते हैं. अब जैसे जो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए उनमें क्या था, लाइक आपको 1 जनवरी या जो भी फर्स्ट से मतलब 1 डेट से आपको दे रखा था, है ना, 1 जनवरी से आपको 1 अप्रैल निकालना है या समथिंग लाइक दैट. अब अगर आपके सपोज डेट चेंज है यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करने वो मैं बताती हूँ. अगर आपको जो डेट दे रखी है लाइक 12 जनवरी 2001 को अगर मंडे है, ठीक है, तो हमें निकालना 1 जुलाई 2001 को क्या होगा, वो कैसे निकालना है. अब आप ये देखो इसमें आप और डेज कम्प्लीटली ले सकते हैं. अब जैसे 12 जनवरी दे रखा है ना आपको, अब पूरे टोटल 31 डेज तो नहीं है ना इसमें, तो आप इसमें देख जनवरी में कितने और डेज होते हैं, 3 और डेज. लेकिन हम अब इसमें जो पूरा कंप्लीट जनवरी तो नहीं ले रहे, 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप निकाल लो कि कितने दिन होते हैं. ठीक है, 12 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने डेज होंगे, 20 डेज होंगे. आपको 12th को इंक्लूड करना है. ठीक है, ये मत सोचना कि 12th को इंक्लूड ना करो, देखो आगे 19 डेज और होते हैं. ठीक है, जैसे कैसे देखो, अगर टोटल 31 डेज होते हैं जनवरी में, ठीक है, आपको 12 जनवरी से करना, तो आप क्या करो 12 से माइनस कर दो, ये आपका आएगा 19. लेकिन ये जो आया है 19, ये 12th को इंक्लूड करके नहीं आया, तो आपको 12th को इंक्लूड करना है, इसलिए आपने जनवरी में ले लेना है कि 20 डेज होते हैं. ठीक है, या तो आप सीधे पहले ही निकाल लो कि 20 में कितने और डेज होते हैं, पर निकालने की जरूरत नहीं, चलो इतना छोड़ दो, 20 डेज आपने ले लिया जनवरी के. ठीक है, अब आपको कहां तक जाना है, जुलाई तक जाना है.
ठीक है, फेब्रुवरी में आपको पता है फेब्रुवरी में कितने ऑडिट होंगे, क्योंकि फेब्रुवरी तो कंप्लीट है ना, और कौन सा ईयर चल रहा है, ये नॉर्मल ईयर है, तो कितने होंगे फेब्रुवरी में, कितने ऑडिट होते हैं, जीरो नॉर्मल ईयर में, क्योंकि 28 डेज होते हैं ना। मार्च में 3 आएंगे ऑडिट, अप्रैल में कितने होंगे 2, ठीक है, मई में 3, जून में 2, एंड जुलाई कहाँ तक निकालना है आपको, 1 जुलाई तक निकालना है, तो +1 कर दोगे, ठीक है। और इस सबको क्या करोगे, इनका सम डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आएगा 20 + 3, 23, 25, 28, 31, तो ये आया 31, इसको क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे, आपके ऑड डेज आ जाएंगे, तो ऑड डेज कितने आ रहे हैं, 4 ऑड डेज आ रहे हैं, है ना, सॉरी 3 ऑड डेज आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या है 3 ऑड डेज, अब 3 ऑड डेज आए तो क्या करते हैं, जैसे मंडे है इसको क्या लेट कर लेना 1, तो 2 को क्या होगा ट्यूसडे, मतलब ये मंडे को 1 क्या लेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट डे जो है आपका वीक का जो फर्स्ट डे है वो है मंडे, ऐसे इसका मतलब ये है, ठीक है। तो सेकेंड को क्या होगा ट्यूसडे, और थर्ड को क्या होगा वेंसडे, तो 1 जुलाई 2001 को क्या होगा वेंसडे होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों डेट्स अलग है, जैसे ये 15 जनवरी से आपको कब तक का निकालना है 5 जुलाई, और आप ईयर सबसे पहले देख लिया करोगे, ईयर कौन सा है, ये नॉर्मल ईयर ही है, ठीक है। अगर लीप ईयर होता है ना तो आपको, और अगर फेब्रुवरी बीच में इंक्लूड हो रहा होता है, तो आपको पता है कि क्या लेना है, जैसे हम यहाँ तक 1 0 ले रहे थे, तो आपको क्या ले लेना है 1 ले लेना है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जनवरी कहाँ से लेना है, 15 जनवरी से, तो 15 जनवरी 31 डेज कितने, और 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कितने डेज होंगे, 15 तो सॉरी 16, 17 होंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लो, 31 - 15 आएगा 16, आपको 15 जनवरी भी इंक्लूड करना है, इसलिए 17 लिया, ठीक है। अब देखो फेब्रुवरी में कितने और डेज होंगे, नेक्स्ट फेब्रुवरी में की नॉर्मल ईयर है, तो 0, ठीक है। नेक्स्ट मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई की कहाँ तक निकालना है, 5 जुलाई, तो +5, इनका सम डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये कितना आएगा 20, 20 अब 5 एंड नेक्स्ट 25 एंड 7, 32, ठीक है, एंड 32 डिवाइड बाय 7 आप करोगे तो कितने आ जाएगा 4 ऑड डेज, ठीक है, 4 ऑड डेज, जून ट्यूसडे को आपको लेट कर लेना है, 1 लेट कर लेना है, तो 1 अगर ये है 2 3 एंड 4, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, तो मतलब 5 जुलाई 2005 को क्या होगा फ्राइडे होगा। आई होप समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन। आप नेक्स्ट टाइप के देखते हैं आगे, तो अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, विच इज विद इन ईयर वाले। अब आपके ईयर्स चेंज होंगे तो आपको कैसे निकालना है, तो उसके लिए एक जो रूल है, जो आपको मतलब एक तरह से ये फैक्ट है, ठीक है, आप कोई भी कैलेंडर आप खोल के देख लो, कि जो भी अगर जो नॉर्मल ईयर होता है ना, अगर नॉर्मल ईयर वाले केस में जैसे, ठीक है, नॉर्मल ईयर के केस में जो भी फर्स्ट डेट होता है, फर्स्ट जनवरी होता है ना, ईयर कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, ठीक है, और ईयर आपको देखना है कि वो नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है, बिकॉज बस वो ही डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, तो मतलब नॉर्मल ईयर जैसे 2005 इज अ नॉर्मल ईयर, और फर्स्ट डेट को जो मतलब 1 जनवरी को अगर संडे है, ठीक है, तो उसी ईयर के जो लास्ट डेट कब होती है, 31 दिसंबर को होती है ना, 31 दिसंबर, और उसी ईयर की लास्ट डेट को भी वही दिन होता है जो फर्स्ट डे को होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। आप कोई भी कैलेंडर अपना किसी भी ईयर का आप निकाल के देख सकते हो, ऐसे होता है, ठीक है। तो मतलब अगर 1 जनवरी को संडे है, ठीक है, और अगर हमें पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर उसी ईयर के को क्या होगा, तो वो भी संडे होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर 1 जनवरी 2005 को अगर संडे है, ठीक है, तो वो आपको पूछ लेंगे कि 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, ठीक है, ये पूछ लिया आपको, तो आपको पता है कि अगर अगर एक जो ईयर है, ठीक है, वो नॉर्मल ईयर है और 1 जनवरी को संडे है, तो आपको पता है 31 दिसंबर को भी संडे होगा, तो मतलब उसके एक दिन बाद क्या होगा, मंडे। तो आप बस इतना याद कर लो कि नॉर्मल ईयर के केस में क्या होता है, कि अगर संडे है और अगर हमें अगले साल की वही डेट निकालनी है, 1 जनवरी है ना, और हमें 1 जनवरी ही उसके अगले साल का, ठीक है, एग्जैक्ट अगले साल का हमें निकालना है, तो वो एक दिन ऊपर होगा, मतलब संडे है तो वो नेक्स्ट जो डे होगा वो कौन सा होगा, मंडे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, मंडे होगा। और कैसे आपको पता लग गया, क्योंकि जो लास्ट डे होगा उसी ईयर का, 2005 का जो लास्ट डे होगा वो क्या होगा, सेम होता है, संडे है तो संडे ही होगा। और लीप ईयर वाले केस में क्या होता है, लीप ईयर वाले केस में जैसे 1 जनवरी 2008, अब 2008 क्या है, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता लगता है, जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है लीप ईयर। अगर 1 जनवरी को 2008 को संडे है, तो उसी ईयर के लास्ट डेट विच इज 31 जनवरी को क्या होता है, एक दिन ऊपर, बिकॉज वो जैसे आपको पता है ना, फेब्रवरी 29 फेब्रवरी एक दिन एक्स्ट्रा एड हो गया ना, तो इसीलिए फिर जो 31 दिसंबर 2008 को क्या होता है, मंडे। तो आप ये इसमें कैसे आ जाएगा, अगर 1 जनवरी 2008 को अगर संडे है,
ठीक है, संडे है तो आपको बोल देंगे कि 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, आपने 2 दिन एक्स्ट्रा लेने हैं। ठीक है, अगर तो जैसे नॉर्मली केस में क्या होता है, संडे से हमने मंडे कर दिया, अब लीप ईयर वाला था ना ये, 2008 इज अ लीप ईयर, इसमें 1 जनवरी 2008 से जब हम 2009 तक जाएंगे तो बीच में 29 फरवरी 2008 आया होगा। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्यूजडे। ठीक है, मंडे तो होगा ही मंडे, लेकिन किस दिन होगा, 31 दिसंबर 2008 को, तो 1 जनवरी एक दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे। तो बस इतना देख लो, लीप ईयर वाले केस में आपने क्या लेना है, 2 दिन बाद लेना है, मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, नॉर्मल ईयर में आप इसे नेक्स्ट डे ले लेना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 1 जनवरी 2013, 2013 इज अ नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है, तो आपको पता है 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे है, तो 1 जनवरी 2014, ठीक है, उसके एक साल बाद क्या होगा, आपको पता है एक दिन एक्स्ट्रा लेना है, तो ट्यूसडे है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेंसडे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 1 जनवरी 2012, अब 2012 क्या है, ये है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है यहाँ पे, तो लिखा 1 जनवरी 2012 को वेंसडे है, तो और यहाँ पे देखो डेट 2 जनवरी दिया है, तो पहले अगर 1 जनवरी सपोज दिया होता, 1 जनवरी 2013 का ही निकालना होता, तो क्या आएगा, आपको पता है 2 दिन एक्स्ट्रा ले लिया, तो थर्सडे फ्राइडे, तो मतलब 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, फ्राइडे होगा, लेकिन हमें कब का निकालना है, 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये है, यहाँ पे देखो अब ईयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, आपको 1 जनवरी 2001 का दे रखा है कि वो संडे है, और आपको 2016 का निकालना है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपने बस वन बाय वन चलना है। आपको देखो 2001 को आप ऐसे पहले लिख लो, एक काम करो 2006 तक आप लिख लोगे। ठीक है, अब 1 जनवरी डेट देखो, जो आपको जो डेट दे रखी है 1 जनवरी, दोनों की 1 जनवरी ही है, 2001 को संडे था, तो 2002 1 जनवरी ही, 2002 2001 तो क्या है, 2001 इज अ नॉर्मल ईयर, तो एक दिन ही एक्स्ट्रा होगा है ना, 2002 को क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, 2003 को क्या हो जाएगा, ट्यूजडे, 2004 को क्या हो जाएगा, वेंसडे। अब आप ये मत सोच लेना कि ये जो आ गया लीप ईयर आ गया तो चेंज क्यों नहीं करा, वो नेक्स्ट ईयर चेंज होता है ना, नेक्स्ट ईयर जब 2004 से 5 में जाएंगे तभी तो, इसके बीच में कभी 29 फरवरी आएगा ना, तो वो 2005 में चेंज होगा। ठीक है, ऐसे नहीं बस देख लिया कि 2004 लीप ईयर है तो इसमें आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, नहीं, 2005 में ले रहे हैं आपने 2 दिन एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो 2001 को संडे आपको गिवन था, 2002 को मंडे होगा, 2003 को ट्यूसडे होगा, 2004 को वेंसडे होगा, 2005 को क्या होगा, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे होगा, एक दिन हमने जब लीप ईयर आ गया ना बीच में, देखो 2004 लीप ईयर था, तो उसके अगला वाला जो होगा अगला साल, वो 2 दिन हमने बाद में लेना है, तो फ्राइडे होगा, हमें 6 का निकालना था, तो यहाँ पे होगा सैटरडे, तो मतलब 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, सैटरडे होगा। आई होप समझ में आया आपको। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, आपको क्या बना कि 15 अगस्त 2012 को अगर वेंसडे है तो 15 नवंबर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, नवंबर 2013 को क्या होगा। ठीक है, नवंबर तो चलो बाद में निकालते हैं, पहले आपको देखो 15 अगस्त कौन सा, 2012 दे रखा है कि वेंसडे होगा, तो 15 अगस्त 2013, अब आप सोचो कि 2013 थर्सडे होगा या फ्राइडे होगा। ठीक है, देखो 2012 इज अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर है, मैंने आपको कहा कि लीप ईयर वाले केस में हम क्या करते हैं, जब हमें सेम डेट का लेना होता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन इस केस में 2 दिन एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आप ये देखो, जो जो एक दिन जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो भी, जैसे 1 जनवरी को मैंने कहा था, 1 जनवरी 2012 को मैंने कहा था, अगर सपोज संडे है तो 31 दिसंबर 2012 को ही मैंने कहा था क्या होता है, संडे ही होता है, मतलब उसके अगले दिन अगली डेट को 1 जनवरी 2013 नेक्स्ट ईयर की जो सेम डेट को क्या होता है, एक दिन हम एक्स्ट्रा सॉरी 2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं, सॉरी ये लीप ईयर था, सॉरी लीप ईयर है, तो 31 दिसंबर 2012 को मंडे होगा, तो मतलब 1 जनवरी 2012 को क्या होता है, ट्यूजडे, मतलब मैंने कहा था संडे है, तो हम अगले ही साल की सेम डेट को हम क्या लेते हैं, मतलब दो दिन एक्स्ट्रा ले लेते हैं, संडे है तो मंडे ट्यूजडे लेते हैं, है ना, लीप ईयर वाले केस में। लेकिन वो क्यों लेते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे बिकॉज 2012 था, तो आपको पता है जो लीप ईयर है तो मतलब 29 फरवरी आया होगा, तो वो जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं वो इसकी वजह से लेते हैं, 29 फरवरी की वजह से लेते हैं। ठीक है, अब देखो 15 अगस्त दे रखा है आपको,
तो जो फेब्रुअरी वाला केस है वो तो ऑलरेडी हो चुका होगा, 29 फेब्रुअरी हो चुका है, मतलब जो एक दिन एक्स्ट्रा होना था वो होता हुआ आया होगा ना, तो मतलब 15 अगस्त 2012 को अगर वेंसडे दे रखा है तो इसमें वो जो एक दिन ऐड होता है एक्स्ट्रा वो हो चुका है, ऑलरेडी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आपने इसमें, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि फ्राइडे लेना है तो वो गलत है, थर्सडे ही आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा ही लेंगे हम इसमें, ठीक है। भले ये लीप ईयर है लेकिन क्योंकि 29 फेब्रुअरी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ठीक है, इसीलिए तो 15 अगस्त 2013 को क्या होगा, थर्सडे होगा, ठीक है। अब 15 अगस्त 2013 अगर पूछा होता तो आपका आंसर आ जाता थर्सडे, लेकिन आपको निकालना क्या है, नवंबर का निकालना है, 15 नवंबर का। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे अभी सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया था कि मंथ में कैसे चेंज करते हैं, चलो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। आपको दे रखा है 15 अगस्त, आपने जो निकाला वो है थर्सडे, आपको 15 अगस्त 2013 से आपको कहाँ तक निकालना है, 15 नवंबर 2013 को क्या डेट होगी, ये चीज निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले मैंने जैसे कहा था हम ऑड डेज ले लेते हैं ना मंथ वाइज, तो अगस्त है, अगस्त में मैंने कहा अब अगस्त कंप्लीट नहीं है ना, तो 31 अगस्त होता तो हम 3 ऑड डेज ले लेते, लेकिन 15 अगस्त से कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कितने अगस्त में कितने दिन बचे हैं, और तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल बचे हैं 17 दिन, कैसे, बिकॉज अगस्त 15th वाले 15 डेट को भी हमें इंक्लूड करना है, तो 17 अगस्त की हो गई, ठीक है। अगस्त के बाद आता है सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर होता है 30 डेज का, तो मतलब इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 2। सेप्टेम्बर के बाद अक्टूबर, मतलब 3 डेज, 3 और डेज। फिर अब आ गया नवंबर, लेकिन नवंबर के कौन से डेट तक का निकालना है, 15 तक निकालना है, तो प्लस 15, फिर इस पूरे को क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आएगा, इसका सम करके देखो तो इट विल कम अराउंड 37 डिवाइडेड बाय 7, तो मतलब कितने और डेज आ रहे हैं आपके, 2 और डेज आ रहे हैं, ठीक है, 2 और डेज आए। अब आपको देखो, अब 2 और डेज आए, अब ये मत करें ना, कई बच्चे क्या करते हैं, 2 और डेज आए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था जो आपको दिया था उसको 1 लेट कर लेते हैं और फिर आगे 2 कैलकुलेट कर लो, नहीं, ठीक है, इसको थोड़ी ना, हमने इससे थोड़ी नहीं निकाला, हमने 2012 15 अगस्त 2012 से थोड़ी नहीं निकाला, ये जो चीज हमने अभी निकाली है ये कब से निकाली है, 15 अगस्त 2013 से, और 15 अगस्त 2013 को तो क्या है, थर्सडे, तो अब थर्सडे को 1 लेट करोगे, ठीक है, तो 1 अगर थर्सडे, तो 2 क्या होगा, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे, तो मतलब फ्राइडे, तो 15 नवंबर 2013 को क्या होगा, फ्राइडे होगा, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जस्ट वेट, इसको पहले रेज कर लेती हूँ। सो यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कि 10 फेब्रुअरी 2005 को थर्सडे है, तो 8 फेब्रुअरी 2004 को क्या डे होगा, है ना, ये निकालना है हमें। तो देखो अब इसमें एक साथ हमें पहले जाना, अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो होता था कि 2004 दे रखा था हमें, 2005 निकालना है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या दिया है, 8 फेब्रुअरी 2004 आपको निकालना है, और आपको दे रख कौन सा रखा है, 10 फेब्रुअरी का, जो अभी जो बाद का है ना, 2005 का आपको 10 फेब्रुअरी दे रखा कि थर्सडे है, तो आप वैसे क्या करोगे, 10 फेब्रुअरी 2004 निकाल सकते हो, क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 2004 क्या है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, और देखो अभी 29 फेब्रुअरी इंक्लूड होना है इसमें, है ना, 10 फेब्रुअरी दे रखा है ये आपको, आपको पता है इंक्लूड होना था 29 फेब्रुअरी, तो मतलब ये जो तब का थर्सडे दे रखा कि 10 फेब्रुअरी 2005 को थर्सडे, मतलब इसमें वो 2 दिन इंक्लूड हुए होंगे, ठीक है, ये चीज जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया उसमें 29 फेब्रुअरी इंक्लूड नहीं हो रखा था, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही डे एक्स्ट्रा ऐड करा था। अब इस वाले केस में जो 10 फेब्रुअरी 2005 को हमें दे रखा कि थर्सडे है, तो मतलब अगर हम एक साल पीछे जाना है तो हम क्या करेंगे, 2 साल पीछे जाएंगे, जैसे होता ना अगर हमें 2000, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2004 का दिया होता कि 2004 में अगर सपोज थर्सडे गिवन होता, तो अगर हमें 2005 निकालना होता, मतलब ये 2004 में 10 फरवरी वाला ही बोल रही हूँ, ठीक है, अगर 2005 का निकालना होता तो हम क्या करते, थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे होता इस तरह से, बट हमें पीछे जाना है तो अब हमें क्या दे रखा है, 2005 दे रखा है कि 2005 को क्या था, थर्सडे, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करके हैं, ठीक है, तो 2004 को क्या होगा, तो थर्सडे पहले वेंसडे एंड ट्यूसडे, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 10 फेब्रुअरी, ठीक है, 10 फेब्रुअरी 2004 को, मैं जस्ट वेट, 10 फेब्रुअरी 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, ठीक है। अगर पीछे जाना कैसे करना, पीछे हम गए अब नहीं समझ में, तो ये देखो अगर 10 फेब्रुअरी 2004 को ट्यूसडे है तो 10 फेब्रुअरी 2005 को क्या होगा, और ये लीप ईयर 2 साल इंक्लूड कर, 2 डेज इंक्लूड करने से ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ठीक है, तो मतलब 10 फेब्रुअरी 2004 को क्या है, ट्यूसडे, आपको निकालना क्या है, 8 फेब्रुअरी का, तो 2 दिन पीछे और चले जाओ,
दो दिन पीछे और जाएंगे तो 9th को क्या होगा मंडे, तो 8th को क्या होगा संडे, तो 8th फरवरी 2004 को क्या होगा संडे होगा। ठीक है, बस जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं वो बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि पीछे कितने साल कितने दिन जाना है। ठीक है, बस ये चीज आपको इंक्लूड करनी है। अगर 29 फरवरी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है ठीक है, तब आपको नहीं लेना, तब आपको एक ही दिन एक्स्ट्रा लेना है। बट इन केस अगर इंक्लूड होना है अभी 29 फरवरी अभी नहीं आया, जैसे 10th फरवरी 2004 का निकाल रहे हैं ना, और कहाँ तक का 10th फरवरी 2005 का, अब इसमें तो आपको पता है ना 29 फरवरी 2004 तो आना ही था, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होना था वो होना होगा ना यहाँ पे, इसीलिए आपने यहाँ पे 2 दिन पीछे जाना था। तो 10th फरवरी 2005 अगर थर्सडे था तो 2004 का निकालना था 10th फरवरी 2004 का, तो वो क्या आया आपका ट्यूसडे आया, 10th फरवरी 2004 ट्यूसडे आया, तो हमें निकालना था 8th फरवरी, 2 दिन और पीछे चले जाओ तो ये होगा संडे। तो आई होप समझ में आया आपको सारे क्वेश्चन। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, उस चैनल का नाम है लर्न विद रुचि सर गोत्रा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।